दोस्तों आज बात करने वाले हैं 42x58 हाउस डिज़ाइन की, जो कि दो भाइयों के लिए बना हुआ है। हमारे पेड यूजर थे, उन्होंने मैं कांटेक्ट किया और उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इस मॉडल को बनाया गया है। ये दो भाइयों के लिए दोस्तों टोटल 6 बेडरूम हैं। अगर कभी बंटवारा होता है भविष्य में तो एक हिस्से में 3 बेडरूम आएंगे और अलग अलग लेट बाथ वगैरह आने वाला है। तो पूरा डिटेल के साथ इस मॉडल को डिफाइन करने वाले हैं। इनका जो चारों तरफ विंडो वगैरह आप देख रहे होंगे, क्योंकि इनके पास चारों तरफ जगह है, पीछे भी इनकी जगह है, तो पीछे भी मैंने डोर वगैरह दिया है। अभी सारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पूरा डिटेल समझाने वाला हूँ। ये 3D इनका बनकर रेडी हुआ है। हमारे पेड यूजर थे तो उनके कहने पर इस मॉडल को डिजाइन किया और जो भी उनकी रिक्वायरमेंट थी तो उनको 2D इनका कन्फर्म हो चुका है, 3D ये बनकर रेडी हुआ है। तो आज मैंने सोचा उनको प्रोवाइड कर दें। अगर आप भी ऐसे घर के नक्शे बनवाना चाहते हैं, चाहे 2D प्लान या 3D प्लान, तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया गया है, वो व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप पर ही कॉन्टेक्ट करें। कॉलिंग नंबर नहीं, कॉल नहीं लगेगा। तो उसके लिए आपको कुछ पे करना होगा और इसके बाद मैं आपको घर के नक्शे 2D+3D+वीडियो+फ्रंट एलिवेशन सब कुछ बनाकर देता हूँ। तो आज का जो फाइनली मॉडल क्रिएट हुआ है, मैं पहले ये समझा देता हूँ। 42x42 फिट इसका दोस्तों फ्रंट है और इसका 58 फिट इसकी गहराई है, लंबाई है। इसके बाद दोस्तों चारों तरफ बालकनी या छत जैसे बोल सकते हैं, वो मैंने 2.5 से 3 फिट का निकाल दिया। आप देख सकते हो ऊपर गुमटी बनी हुई है। तो इसी मॉडल को आज हम डिफाइन करने वाले हैं आपको बहुत ही प्रॉपर तरीके से। तो चलो सबसे पहले मैं जूम करके दिखाता हूँ। तो इसका देख सकते हैं, ये आपके देखिए लेफ्ट राइट साइड बेडरूम है, जिसके लिए यहाँ पर मैंने विंडो दिया है। यहाँ पर कुछ डिजाइन मोल्डिंग का डिजाइन बना हुआ है, बीच में भी मैंने एक पिलर दिया है। कारण ये है क्योंकि ये वाला जो हाइट है, ये आपकी चौड़ाई है ना, काफ़ी ज़्यादा है, तो सपोर्ट के लिए एक बीच में मुझे कॉलम देना पड़ा है। अगर आप इसे नहीं देना चाहते हैं तो आपको फिर ये वाला बीम ना बहुत ही मजबूत, ज़्यादा ज़्यादा सरिया और ज़्यादा मोटा डलवाना होगा, इसका विशेष ध्यान रखें। तो इस वजह से हालांकि मैंने सपोर्ट दिया, अगर आपकी रिक्वायरमेंट कुछ और हो सकती है कि आपको ये आप पिलर ना अच्छा लगे तो आप इसे हटा भी सकते हैं, लेकिन फिर आपको आगे वाला जो बीम है ना वो बहुत ही मजबूत डलाना होगा। तो ये तो पूरा हो गया फ्रंट एलिवेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्राउंड फ्लोर की, तब आपको सारा चीज़ें समझ में आएगा। तो ये देखिए कि ग्राउंड फ्लोर पर हम जैसे आते हैं ना, तो ये पूरा डिटेल है। तो आपको मैं टॉप व्यू दिखा दूँ कि बीच टॉप से आपको कैसा लगे, तब आपको सारा बिल्कुल सिमिलर पूरा घर का डिज़ाइन देखने को लगने वाला है। तो ये देखिएगा टॉप से आप जब देखेंगे ना, तो मॉडल आपका घर के बनने के बाद कैसा लगेगा वो मैंने यहाँ पर डिफाइन करने की कोशिश की है। अभी सब कुछ समझाने वाला हूँ, क्योंकि दो भाइयों का घर है तो सिमिलरिटी बिल्कुल क्रिएट कर रखी है। ये देखिए जो वॉल आ रही है ना सामने से, इधर से ये आपके पूरे घर को सेपरेट करेगी दो भागों में, अगर भविष्य में कभी भी बंटवारा होता है तो। तो सबसे पहले इधर से आप चढ़ेंगे तो आपको एक बारंदे का डिज़ाइन मिलता है। ऊपर से मैं दिखा देता हूँ बारंदा, ये आपको देखिए बारंदे का डिज़ाइन है। और इसी बारंदे से आपका मेन डोर देखिए लगा हुआ है, दोनों साइड विंडो भी लगी हैं और दोनों जो लेफ्ट और राइट साइड बेडरूम हैं उनके लिए अलग अलग डोर दे रखा है। तो इसके बाद देखते हैं, तो राइट हैंड में अगर बात करें तो ये आपका एक गेस्ट रूम समझे या बेडरूम समझे, इसके लिए डोर यहाँ से है और इसमें दो विंडो मिलेंगे, एक फ्रंट में और एक साइड में है ना। और ऐसा ही बिल्कुल लेफ्ट हैंड के लिए, देखिए कि ये पूरा लेफ्ट हैंड है, यहाँ से डोर है और लेफ्ट और राइट विंडो है इसका। जैसे आप आगे बढ़ते हो तो आप पहुँच जाते हैं अपने यहाँ पर डाइनिंग एरिया में। यहाँ पर एक बड़ा सा आंगन टाइप को आपको देखने को मिलता है। फिर लेफ्ट हैंड में दोस्तों स्टेयर्स है, इसे टर्न होकर वापस आएंगे और जस्ट स्टेयर्स के सामने आपका एक पूजा घर है जो उनको रिक्वायर्ड था। फिर आगे बढ़ते हैं तो आपको दो बेडरूम मिलते हैं। इस दोनों बेडरूम के लिए देख सकते हैं, इस बेडरूम के लिए अलग डोर और एक अंदर से भी विंडो और एक बाहर से भी विंडो मैंने दिया है। सिमिलर ऐसा इस पे भी किया है, यहाँ से डोर और एक अंदर से विंडो और एक बाहर से विंडो। अगर आप बाहर विंडो नहीं लगाना चाहते हैं तो आपके पे डिपेंड करता है, वो आप हटा सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बट मैंने ऑप्शन था तो मैंने सभी जगह विंडो लगा दिए हैं, जिससे अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई विंडो जैसे किसी इसी बेडरूम में दो विंडो हैं तो आप केवल एक लगाइएगा, वो आप पर डिपेंड करेगा। आगे बढ़ते हैं तो फिर आपको ये एरिया मिलता है, देख सकते हैं। तो ये दोस्तों यहाँ पर आपका जैसे अंदर पहुँचते तो आपका ये लेट एंड बाथ है। तो इधर एक लेफ्ट हैंड में लेट एंड बाथ है, उसके जस्ट सामने राइट हैंड पर भी एक लेट एंड बाथ आपको देखने को मिलता है। इसके बाद आगे आप बढ़ते हैं तो दोस्तों फिर आपको थोड़ा सा चेंजमेंट मिलता है। ये एक किचन एरिया है और ये बेडरूम है। अगर इस साइड की बात करें तो इधर बेडरूम है और पीछे किचन है। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस किया गया है, किचन का जो लोकेशन है वो चेंजमेंट किया गया है। इसके बाद ये दोस्तों पूरा डाइनिंग एरिया है, डाइनिंग हॉल आप समझ सकते हैं। पीछे जाने के लिए भी एक देखिए डोर दिया है और दो विंडो मैंने दे सकते हैं। पीछे से आप देखेंगे ना तब आपको समझ में आएगा, ये विंडो है पीछे जाने के लिए, डोर सॉरी, और ये विंडो दी हुई है।
एक एक जो विंडो है वो दोस्तों बेडरूम पर है और एक एक आपका हॉल में दिया गया है। तो ये पूरा 6 बेडरूम, 3 बेडरूम लेफ्ट हैंड में, 3 बेडरूम राइट हैंड में, एक किचन लेफ्ट हैंड में, एक राइट हैंड में, एक बाथरूम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में। बस स्टेयर्स आपकी यहाँ पर एक बनाई है, उनको एक ही रिक्वायर्ड था और जस्ट उसके सामने पूजा घर बना दिया गया है। अगर आपको 2 स्टेयर्स भी चाहिए तो आप इस पूजा घर की जगह स्टेयर्स एक और लगा सकते हैं। तो ये पूरा बेहतरीन सा डाइग्राम जो कि 42x58 में बना हुआ है 2 भाइयों के लिए और बेहतरीन से डिज़ाइन, जहाँ पर पॉसिबल हो सकती है तो मैंने विंडो दिए हैं तो आप इन्हें देख सकते हैं। और अगर आपकी कोई रिक्वायर्ड विंडो नहीं तो आप उन्हें हटा भी सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों जहाँ पर ये वेंटिलेटर लगे हुए, यहाँ पर आपका लेट एंड बाथ है, इस वजह से वेंटिलेटर को मैंने वेंटिलेट किया है। पूजा घर वगैरह में भी वेंटिलेटर ही दिया है मैंने। तो ये पूरा ओवरऑल बेहतरीन सा मॉडल बनकर रेडी होता है। बात करते हैं इसके फर्स्ट फ्लोर की। तो फर्स्ट फ्लोर जैसा कि मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका था, 3.5 फीट का चारों तरफ बाउंड्री वॉल ऊंचाई में दिया है और ये बेहतरीन से ग्रिल का डिज़ाइन आगे देखिए कितना बेहतरीन जगह। ये दोस्तों मैंने डिजाइनिंग के पर्पज से बनाया, अगर आप इसे नहीं बनाना चाहते तो हटा सकते हैं। स्टेयर्स को ढकने के लिए गुमटी जिससे आपका पानी वगैरह ना जाए। ओवरऑल एक बेहतरीन सा मॉडल 42x58 लगभग 60 फीट आप समझ सकते हैं बनकर रेडी हो जाता है। तो अगर आपकी भी कोई रिक्वायरमेंट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।